इस वीडियो में हम बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर के कुछ डर्टी सीक्रेट के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। अपने डिफरेंट स्टाइल और बॉलीवुड में रोमांस से भरपूर फिल्में बनाने वाले करण जौहर ने अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। करण जौहर हमेशा अपने लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को छुपाने की कोशिश नहीं की। आज करण जौहर 50 साल के हो चुके हैं और आज भी करण जौहर अनमैरिड हैं, लेकिन सैरोगेसी की मदद से वो दो बच्चों के बाप बन चुके हैं। करण जौहर के लव लाइफ के बारे में हम आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। करण जौहर ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्हें पहला प्यार 20 साल की उम्र में हुआ था और उस इंसान से करण ने 10 साल तक प्यार किया था। करण ने कहा कि 20 साल से लेकर 30 साल तक मैं एक ही इंसान से प्यार करता रहा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर का इंसान मर चुका है और मुझे एहसास ही नहीं होता था कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। इसके बाद करण ने कहा कि जब दूसरी बार प्यार हुआ तो वह लगभग 7 सालों तक चला था। पहले मुझे जो सबसे बुरी फीलिंग लगती थी, अब वही अच्छी लगने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं वापस जिंदा हो गया हूं। आपको बता दूं कि करण जौहर को भले ही 2 बार सच्चा प्यार हुआ हो, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यह है कि दोनों बार उनका प्यार सिर्फ एक तरफा था। दोनों बार सिर्फ करण ने किया था, लेकिन सामने वाले को हमेशा से पता था कि वह उन्हें प्यार करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं करण का सबसे पहला प्यार कौन था। करण ने कई बार खुलेआम इस बात का इजहार किया है कि उन्हें ट्विंकल खन्ना से बचपन में ही प्यार हो गया था और ट्विंकल खन्ना के प्यार में वह दीवाने हो गए थे। ट्विंकल को भी पता था कि करण जौहर उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ट्विंकल को हमेशा करण के प्यार को मजाक में ही लिया। ट्विंकल ने तो यह भी कह दिया था कि करण मुझे प्यार सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि स्कूल टाइम में मेरी मूंछें आया करती थी। करण ने तो यहां तक कहा था कि उन्हें कुछ कुछ होता है। फिल्म में टीना का कैरेक्टर ट्विंकल खन्ना को ध्यान में रखते हुए ही लिखा था और वह चाहते थे कि उस फिल्म में ट्विंकल खन्ना इस कैरेक्टर को निभाए, लेकिन इस कैरेक्टर को करने से ट्विंकल ने मना कर दिया। तब जाकर यह रोल रानी मुखर्जी के हिस्से में आया। अब बात करते हैं मनीष मल्होत्रा और करण जौहर के रिश्ते के बारे में। करण जौहर हमेशा से अपने सेक्सुअल पसंद को लेकर चर्चाओं में रहे हैं और उन्होंने कई बार खुलेआम इस बात का इशारा भी किया है कि उनके सेक्सुअल पसंद सिर्फ स्ट्रेट नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने साफ तौर पर इस बात को नहीं कहा। वहीं बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर करण जौहर के बॉलीवुड के फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ रिश्ते की खबरें भी खूब सुर्खियों में रही थी। इन दोनों को कई पार्टीज और फंक्शंस इवेंट्स में और कई प्राइवेट पार्ट में भी एक साथ स्पॉट किया जाता था। हालांकि इन दोनों ने कभी भी खुलकर अपने प्यार का इजहार तो नहीं किया, लेकिन हमेशा से इन दोनों की नजदीकियों को देखते हुए इनके रिश्ते पर सवालिया निशान बने रहे हैं। कहा जाता है कि दोनों काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन किन्हीं प्राइवेट रीजन की वजह से इन दोनों का आज ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन फिर भी करण और मनीष मल्होत्रा आज बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते हुए सुनाई देते हैं। वहीं बॉलीवुड के गलियारों में ऐसे खबरें भी काफी सुनने को मिली थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। करण सिद्धार्थ को फिल्मों में आने से पहले ही जानते हैं और जब करण माय नेम इज खान बना रहे थे तो सिद्धार्थ उन्हें असिस्ट कर रहे थे और इन दोनों के प्यार के किस्से तभी से सुर्खियों में आने लगे थे। लेकिन जब फिर करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑन ऑफ द ईयर से लॉन्च किया, तब इन खबरों ने और भी ज्यादा टूल पकड़ लिया। लेकिन खबरों की माने तो आज करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। अफवाहें तो यह भी है कि दोनों ने एक दूसरे को काफी सालों तक डेट किया था, लेकिन आज इनका रिश्ता टूट चुका है और आज इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है। वहीं अगर करण जौहर उनके फेवरेट बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के रिश्ते के बारे में बात करें तो कई अफवाहें तो यह भी थी कि इन दोनों के बीच की दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार से भी बढ़कर है। करण जौहर का प्यार शाहरुख खान के लिए जग जाहिर है, लेकिन करण जौहर ने अपनी बायोग्राफी में इन सभी बातों को बिल्कुल गलत बताया है। वहीं करण कहते हैं कि मैं शाहरुख खान को एडमायर करता हूं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूं। वहीं हम दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और आज के वक्त में उनके लव अफेयर की बात की जाए तो वह एक विदेशी बंदे को डेट कर रहे हैं और अपने बच्चों को उन्हीं के साथ रख रिश्ते में वह आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा करण जौहर को हमेशा कंट्रोवर्सी में डालती है, वो है नेपोटिज्म।
नेपोटिज्म को इतना काफी ज्यादा आगे बढ़ाते हैं कि उन पर प्राउड ये बात कह चुके हैं कि हाँ मैं आगे बढ़ाऊंगा, मुझे कोई आखिर क्या कह सकता है, मेरी मर्जी में जिसको भी अपनी फिल्म में लेकर आओ, मैं स्टार किड्स के साथ ही फिल्में करना चाहता हूँ और उनके साथ ही काम करूंगा। अगर आप सभी ने ये बात गौर की हो तो फिल्म स्टूडेंट ऑन ऑफ द ईयर के बाद नेपोटिज्म का पूरा खेल करण जौहर ने शुरू किया, क्योंकि वह स्टार किड्स वरुण धवन को लेकर आए थे, आलिया भट्ट को लेकर आए और उससे उन्हें बहुत फायदा भी मिला और इसी फायदे की वजह से वह आगे इस काम को बढ़ाते रहे हैं। नेपोटिज्म का सिर्फ यही खेल नहीं है करण जौहर का, बल्कि यह भी है कि वह स्टार किड्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा उनका एक और डर्टी सीक्रेट सामने आया है और वह है आउटसाइडर के लिए उनकी नफरत। जो भी स्टार्स आते हैं जिसकी कोई पहचान खास नहीं होती, सिर्फ उनकी एक्टिंग अच्छी होती है, करण जौहर उन सभी से नफरत करते हैं और यह तक भी कहते हैं कि मेरी उनसे नफरत करने के पीछे की वजह उनका टैलेंट होगा, लेकिन उनके लुक्स अपनी फिल्मों के हिसाब से अच्छे नहीं लगते हैं और अगर वह किसी आउटसाइडर को ले भी लेते हैं तो उसी को लेते हैं जिस वक्त उसकी ज्यादा हाइप चल रही होती है, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं। जैसे कि कार्तिक आर्यन को उन्होंने लिया, कियारा आडवाणी को उन्होंने लिया, सिर्फ अपने फायदे के लिए करण जौहर काम करते हैं। यहाँ तक कि जिन स्टार्स को फिल्मों में लेकर आते हैं उन्हें वह अवार्ड फंक्शन में भी कई अवार्ड्स भी दिलवाते हैं, क्योंकि अवार्ड फंक्शन में जितने अवार्ड मिलते हैं जो जूरी मेंबर बैठती हैं, अवार्ड देने वाले करण जौहर इसके मेंबर हैं और इसी वजह से साल 2020 में जब अनन्या पांडे ने डेब्यू किया एक फिल्म से जिसका नाम स्टूडेंट ओन ऑफ द ईयर 2 था, जो खुद करण जौहर की फिल्म थी, इसके अंदर डेब्यू अवार्ड अनन्या पांडे को मिल गया, जबकि उससे काफी अच्छा काम शिवालिका ओबेराय करती हुई नजर आई थी अपनी पहली फिल्म के अंदर और उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया था। ऐसे में हर साल होता आया है कि करण जौहर अपने ही स्टार किड्स को अवार्ड देते हैं और यही एक वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने इग्नोर किया। अपनी फिल्म ड्राइव में काम देने के बाद भी उन्हें कई फिल्मों से बैन करके रखा जो रिलीज नहीं हुई थी, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर सामने आई थी और सुशांत को आउटसाइडर के तौर पर हमेशा से ही हैरेस किया गया था। तो दोस्तों, करण जौहर का आउटसाइडर के लिए ऐसा बिहेव क्या सच में सही है? आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए। आज इस वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।